मंकी पॉक्स की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर आपातकाल का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया में इस वायरस के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मध्य और पूर्वी अफ्रीका से शुरू हुआ यह संक्रमण अब भारत के करीब पहुंच गया है। देश में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने के बाद भोपाल में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें। भोपाल CMHO प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। जब भी मौसम बदलता है तब यह बीमारी देखने को मिलती है। मंकी पॉक्स जानवरों में फैला है। जानवरों के संपर्क में आने से यह मनुष्य में फैलती है। अगर यह बीमारी मनुष्य में होती है तो दूसरे पॉक्स की अपेक्षा इसमें पूरे शरीर में छाले दिखने लगते हैं। इस बीमारी में बुखार आ सकता है, आपके मसल में दाने पड़ सकते हैं। इसका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कि जो पॉक्स वायरसेस रहते हैं वो लगभग एक ही तरह से बिहेव करते हैं। हमने पहले स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स देखा है। स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर चुके हैं और चिकन पॉक्स अभी भी जब मौसम चेंज होता है, स्पेशली जब फेवरेबल कंडीशंस होती है उस वायरस के लिए, तो देखने को मिलता है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है और साथ में जो उसके ब्लिस्टर्स रहते हैं, जो लिक्विड रहता है, वो भी इन्फेक्टिव होता है। जो मंकी पॉक्स रहता है वो यूजुअली एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि वो जानवरों में होती है और जानवरों के संपर्क में आने से मनुष्यों में भी फैल सकती है। अगर ये मनुष्यों में होती है तो दूसरे पॉक्स की जगह इससे पूरे शरीर में छाले दिखाई दे सकते हैं, बुखार आ सकता है, इसके अतिरिक्त मसल क्रैम्स हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल वायरल डिजीजेज में देखने को मिलते हैं उसी तरह के इसमें भी साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।